वेलकम टू एग्जाम क्विज तक। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एंड्रॉयड मोबाइल से एक्सेल कैसे सीखें। जी हाँ, अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप लोग एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो बिल्कुल आप आसानी से एक्सेल को सीख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है डाटा एंट्री के लिए एक्सेल काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है और डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको बनना है, कंप्यूटर में जॉब करना है तो आपको एक्सेल को अच्छी तरह से एक्सेल आना चाहिए। तो एक्सेल को अच्छी तरह से सीख लीजिए ताकि आपको जॉब कंप्यूटर में मिल सके। तो इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर आप लोग जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाकर एक्सेल सर्च करिएगा। जब एक्सेल को सर्च करेंगे तो एक्सेल का जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जब डाउनलोड कर लेंगे तो इंस्टॉल कर हो जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल जब कर लेंगे तो आपसे परमिशन मांगेगा, परमिशन दे दीजिएगा। आपको साइनिंग कर लेना है, साइनिंग के लिए अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। अगर ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो भी डालेंगे, दोनों में से कोई, उस पर ओटीपी एक जाएगा, ओटीपी आप लोग डाल दीजिएगा। आप वेरीफाई हो जाएंगे। इसके बाद जब वेरीफाई हो जाएंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा एक्सेल पे, तो आप लोग एक्सेल मोबाइल में आसानी से यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अंतर है लैपटॉप और मोबाइल में एक्सेल यूज करने का, लेकिन फार्मूला ज़्यादातर ही जो मोबाइल में प्रयोग होगा वो कंप्यूटर पर भी हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग मोबाइल से भी एक्सेल सीख सकते हैं, क्योंकि आप लोग के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से सीखे रहेंगे तो कहीं पे कुछ तो कर लेंगे। एक्सेल अगर सीखना रहेगा तो एक्सेल सीखेंगे तो पहले से ही तो बहुत सारे फार्मूला आपको जानकारी रहेगी, तो आपको आसानी रहेगा कंप्यूटर या लैपटॉप में सीखने के लिए। तो आप क्या करिएगा, ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी फार्मूला बताया गया है या फिर वर्क करने के लिए बताया गया एक्सेल में, वो बिल्कुल लैपटॉप या कंप्यूटर पे भी सेम टू वही तरीके से होगा। चलिए एक्सेल को हम लोग ओपन करते हैं। तो एक्सेल ओपन करने के लिए एक्सेल पे क्लिक करेंगे जो सॉफ्टवेयर, इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, प्लस का पे ओके करेंगे। इसके बाद आप सीट का डिजाइनिंग दिखाई दे रहा है, तो आप जिस डिजाइन, मैंने सिंपल ही पर क्लिक कर देता हूँ। सिंपल पर क्लिक करके देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि एक्सेल में किसको रो बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास कन्फ्यूज रहते हैं कि किसको रो बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी डी जो दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी, तो हम लोग इसको जो बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। ओके, और जो 1 2 3 नंबर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग रो बोलते हैं। ठीक है, और कॉलम और रो मिलकर सेल बनता है। ठीक है, कॉलम और रो मिलकर सेल बनता है। तो आप लोग बेसिक जानकारी आप लोग जान गए होंगे, रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। ओके, जैसे जो ये है एक्टिव सेल है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे कोई डाटा बनाना है, डाटा सीट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ठीक है, एक क्लिक करेंगे यहाँ पे सेल पर। ओके, एक क्लिक करेंगे यहाँ पे एडिट के लिए ऑप्शन है आ रहा है, तो एडिट पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं सीरियल नंबर डाल दे रहा हूँ। ओके, तो सीरियल नंबर डाल दिया, इसके बाद एंटर का प्रयोग कर दिया। ओके, तो सीरियल नंबर जैसे कि हमने 1 2 टाइप कर दिया। ओके, जब 1 2 टाइप कर दिया तो ऐसे हम टाइप करेंगे, बहुत हमें डाटा बनाना है, बहुत सीरियल नंबर है, मान लीजिए 200 400 500 लोगों का डाटा बनाना है। ओके, तो हम 1 2 3 4 5 लिखेंगे तो हमें लिखने में काफ़ी समय लगेगा। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 2 लिख कर ओके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 1 2 को। ओके, सिलेक्ट कर आप फील पे जाएंगे, फील पे ओके कर दीजिएगा। जब फील पे ओके करेंगे तो ऐसा आ जाएगा इंटरफेस, तो आप इसको
नीचे तक जितना सीरियल देना चाहते हैं स्क्रेच कर दीजिए नीचे तक। जब स्क्रेच करेंगे नीचे तक खींचेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने 100 सीरियल नंबर दे दिया। देखिए यहाँ पे आसानी से सीरियल नंबर आ गया। ओके चलिए पहले ही चलते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम डालना है। ओके तो यहाँ पे नाम डाल दीजिए, नाम हो गया। यहाँ पे आप क्लास डालना चाहते हैं अपने अनुसार, जो भी आप डाटा बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा। क्लास के बाद यहाँ पे फीस डाल देता हूँ। ओके अब देखिए यहाँ पे कोई नाम है तो बड़ा नाम होगा, तो इसके लिए हमें कॉलम को कैसे बड़ा करना है। ओके तो बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बी पे क्लिक करेंगे। ओके राइट साइड पे घींच देंगे, ठीक है राइट साइड हो रही तो घींच देंगे। तो देखिए कॉलम जो है हमारा बड़ा हो गया। ठीक है यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, जैसे मैंने 60 में किसी का नाम टाइप कर सकते हैं अगर आप बना रहे हैं डाटा शीट। तो चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको टाइप करके। यहाँ पे जिसका भी नाम आपको टाइप करना है कर सकते हैं। ओके अब देखिए यहाँ पे टाइप कर क्लास टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, जो नाम है और जो सीरियल नंबर है एक ही तरह, तो हम यहाँ पे पूरा सिलेक्ट कर ठीक है यहाँ पे सिलेक्ट करके आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो चिन्ह दिखाई दे रहा है यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले बोल्ड कर दिया। आप साइज को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे हमने बढ़ा दिया 16 कर रखा है। ओके इसके बाद बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर दे दीजिएगा, जैसे मैंने इस बॉर्डर को ऐसे देना चाहता हूँ बॉर्डर दे दिया। इसके बाद कलर फिल करना चाहते हैं तो मैंने कलर फिल कर दिया। ओके और फॉन्ट कलर जो है लिखा है टेस्ट उसका कलर करना चाहते हैं तो मैंने उसका भी कलर यहाँ से रेड ले लिया। ओके देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। ओके तो इसीलिए आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद आप क्लास वगैरह डाल सकते हैं यहाँ पे जो भी है। अगर आपको देखिए यहाँ पे क्लास वगैरह आप जो भी टाइप करना है टाइप कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने टाइप कर दिया। ओके यहाँ पे जो भी टाइप करना है आपको, अब जैसे हमें संडे मंडे लिखना है। ओके तो देखिए संडे मंडे लिखना है तो आप लोग SUNDAY संडे टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। और संडे के बाद टाइप करने के बाद आपको संडे को टाइप करने के बाद आप एक क्लिक करिएगा, ठीक है। क्लिक करेंगे तो आप देखिए फिल का ऑप्शन आ रहा है, फिल पे जाएंगे आप पूरा नीचे तक ट्रैक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए पूरा आपको जितना संडे मंडे ट्यूसडे लिखना है सब लिखा देगा। टंडे देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सब आ गया। तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे कॉलम बड़ा करना है तो कॉलम बड़ा करने के लिए आपको बताए ही थे, कॉलम पर जाकर और राइट और आप घींच देंगे कॉलम बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपसे देखिए मंथ लिखना है आपको जनवरी फरवरी। ओके तो चलिए हम देखते हैं, क्लिक करेंगे आप, जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जैन 60 में हम जनवरी को जैन फरवरी को या फिर भी टाइप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे रुकिए यहाँ पे क्लिक करेंगे एक, जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिल का ऑप्शन आ रहा है। ओके आप फिल करेंगे, आप पूरा ट्रैक करेंगे नीचे तक, देखिए आ गया सब। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे
तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी को एक्सेल एक्सपर्ट बनना है तो हमारे द्वारा बनाए गए जितने वीडियो होंगे वे आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी भी करता हूं कि आप लोग एक्सेल में आसानी से जॉब पा सकते हैं। जी हां, एक्सेल में आसानी से जॉब पा सकते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट पार्ट होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं एक्सेल पे 6-7 वीडियो बनाने वाला हूं जो कि मोबाइल से पूरा बताऊंगा कौन सा फार्मूला आसान तरीके से मोबाइल और लैपटॉप दोनों पर यूज आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो।